हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रेवल हैक। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है। आप यकीन मानो ये हमारे भारत के इंजीनियरों ने करके दिखा दिया है। इसको इनॉग्रेट करने के लिए हमारे रेल मंत्री कल आए थे अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है और पब्लिक के लिए 21 अगस्त से ये ओपन हो जाएगा। आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसके बारे में, इसकी खासियत के बारे में कुछ बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे ये बना कैसे होगा, इसको बनाने में लागत कितनी आई होगी और ये बना कैसे होगा। सब लोग सोच रहे हैं 3D प्रिंटिंग क्या है। मैं आपको बताता हूँ इसका, पहले मैं पूरा प्रोसेस आपको इसको बताने की कोशिश करूँगा और ये दिखाने की भी कोशिश करूँगा कि ये दिखता कैसा है। इसको छू के बताने की कोशिश करूँगा। L&T इसमें सहयोग दी है, L&T ने पूरा प्रोजेक्ट को बनाया है। 45 डेज इसका टारगेट था, 43 डेज में कम्प्लीट हो गया है और इसको बनाने में जो कॉस्ट आया है 23 लाख रुपए आए हैं, जो कि एक्चुअल कॉस्ट से 30-40% कम है, ऐसा लोगों का मानना है। और लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बेंगलोर में ये हुआ है, इंडिया का पहला, देखने के लिए कि जी ये कैसा दिखता होगा। अभी तक हम फोटो में देखते थे लेकिन पहली बार लाइव देखेंगे जो मशीन के द्वारा इसको कैसे बनाया गया है। सबसे पहले इसमें जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसको तैयार कैसे किया गया। जैसे ड्राइंग होता है, आप किसी घर का जो नक्शा पास करवाते हैं तो उसका लेआउट बनता है ऑटोकैड में, उसके बाद अगर आप चाहें तो उसको 3D में बनवा सकते हैं। बहुत सारे 3D सॉफ्टवेयर हैं, माया है, मैक्स है, ऑटोकैड है, गूगल स्केचअप है, तो ऐसे बहुत सारे 3D सॉफ्टवेयर में इसके पूरे बनने से पहले इसको बना लिया जाता है, देखने के लिए कैसा दिखेगा। जब कंप्लीट हो जाने के बाद इसका फाउंडेशन किया जाता है, उसके बाद इसमें मटेरियल, रॉ मटेरियल डाला जाता है। वो देखो, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है। तो ये देखो, यहाँ पे पहले तैयार कर दिया गया लेआउट इसका ड्राइंग करके, उसके बाद इसका फाउंडेशन किया गया है, यहाँ पे फाउंड पूरा करके नीचे कंक्रीट। ये मैनुअल प्रोसेस है, इसको इसमें 3D की ज़रूरत नहीं है, इसको पूरा नॉर्मल जैसे करते हैं हम लोग उस तरीके से किया गया है। और यहाँ देखोगे लिखा हुआ भी है। उसके बाद आते हैं इसमें, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, 100 mm थिक प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट PCC 1:4:8 इसमें मिलाया गया। ये मशीन जो आप देख रहे हैं, ये मशीन लगाया गया है, 5 लेबर लगे इसमें और इसको लेयर वाइज लेयर, यहाँ से शुरू हुआ फिर इधर आया, इसमें देखो एक लेयर बनने के बाद कुछ ऐसा हो गया, फिर इसके ऊपर लेयर बाय लेयर बढ़ता गया। इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ भी है सारी चीज़ें। उसके बाद अगला प्रोसेस है, उसको साइड का जो एरिया था उसको फिल्ड कर दिया गया है, किसके द्वारा, ये ग्रेड स्लैब कास्टेड विथ M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बाई कन्वेंशनल मटेरियल, वॉल प्रिंटेड इज कंटिन्यू ओवर द ग्रेड स्लैब। उसके बाद देखो बनने, इतना बनने के बाद, ये ऊपर होने के बाद देखो, इसके लिए जो विंडो डोर उसके लिए स्पेस छोड़ा गया है, इतना स्मार्ट इनफ है कंप्यूटर में डालने के बाद। और ये कुछ इस तरह से लास्ट में, जब आप देखोगे इसका वॉल तैयार हो गया, वॉल तैयार होने के बाद इंटीरियर में देख सकते हो वह भी कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन इसका फ्रेम लेआउट तैयार हो गया। उसके बाद ऊपर में इसके जो है रूफ को देखो, रूफ स्लैब इज इरेक्टेड स्क्रीन कॉन्क्रीट इज लेड ओवर द स्लैब बाई कन्वेंशनल मटेरियल टू मेंटेन द नेसेसरी स्लोप फॉर ड्रेनिंग द रेन वाटर थ्रू द रेन। तो ये रूफ का एक था। अब उसको होने के बाद इसको नॉर्मल तरीके से, जैसे आप घर का इंटीरियर वगैरह बनाते हो, कलरिंग वगैरह करते हो, ये फ्लोर जो है उसको सब कुछ उस तरीके से किया गया है। तो ये तो इनका प्रोसेस था, मैं आपको वीडियो में भी बताया, इसमें भी दिखाया कि ये कैसे बनता है। अब आपको दिखाता हूँ ये वाल छूने पे कैसा लगता है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा, कितना सुंदर सा है। और ये जो डिजाइन है, ये कर्व ही, आप देख रहे हो ये जो कर्व है, ये मुश्किल होगा नॉर्मल वे में अगर बनाना चाहे तो, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो इसको छू के मैं बता रहा हूँ, ये काफ़ी मजबूत है। मतलब लग रहा होगा आपको जो है ये 3D प्रिंटेड है, इसका भरोसा क्या है, लेकिन इसका जो लाइफ स्पेन मैं अगर बताऊं तो ये 50 साल से भी ज़्यादा आराम से चल सकता है। ये देखो इसके अंदर में, अंदर की भी ब्यूटी अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से इतना सुंदर से इसको सजाया गया है। ये देखिए कुछ भी देखो, ये छत ऐसा कुछ दिखता है और इसके जो वाल हैं इसको फिनिशिंग किया गया है, नीचे को देखोगे एकदम अच्छा फिनिशिंग किया गया है। इसमें कुछ मैनुअल वर्क भी हैं और ज़्यादातर चीज़ें जो है मशीन के द्वारा ही की गई है। रूफ ऐसा कुछ दिखता है और यूनिक डिजाइन कंप्यूटर के द्वारा बन के तैयार हो गया है। हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए गर्व की बात है। हमारे इंजीनियरों ने इसको करके दिखाया है L&T की मदद से, और इसका कॉस्ट और भी कम होगा आने वाले दिनों में जैसे जैसे लोग इसको अडॉप्ट करेंगे।
दोस्तों हम अभी इसके पीछे वाले पार्ट में आ गए हैं। पीछे से भी अगर आप डिजाइन देखोगे, जिस तरीके से इसको कर्व किया गया है, वो देख के एकदम काफ़ी मज़ा सा आ गया। मतलब आप समझ रहे हो, ये पूरा ऐसे ही बना हुआ है। मतलब आप समझ रहे हो, ये देखो, ये जो आप वॉल देख रहे हो कितना मजबूत है, और इसमें जो बाहर से पेंटिंग कर दी गई है, सोचो जिसमें जो मटेरियल लगे हैं, सीमेंट और जो बालू होता है जिसको हम लोग सैंड बोलते हैं, उसके साथ साथ कुछ बाकी जो इनका मटेरियल का प्रोसेस है वो डालने के बाद इसमें जो मजबूती आई होगी। और ये भूकंप में, लोगों का सवाल था जो भूकंप में क्या होगा इसका, तो ये भी गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा, और ये इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैं आपको बता दूं, लोगों के पास समय और पैसे की कमी रहती ही है। अगर आप कोई 2 BHK घर बनाना चाहते हो 1100 स्क्वायर फीट में, तो मुझे लगता है इसको बनाने में आपको कॉस्ट अराउंड 10 से 15 लाख के करीब में आएगा। अगर आप नॉर्मली बनाने जाओगे तो सीधे वो 30 लाख से ज़्यादा खर्चे आते हैं। तो ये आम लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए सही है, अच्छी बात है। लेकिन पता नहीं लोग इस पे भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग तैयार हैं अपना घर बनाने के लिए, जो छोटा सा उनका प्लेस है उसमें, क्योंकि मैं पढ़ रहा था लोगों का व्यू, और वो तैयार हैं इसको बनाने के लिए। कब आता है इसको आने में, टाइम लगेगी क्योंकि ये गवर्नमेंट का था। पहला घर भी 2021 में बन गया था और लोग वहाँ रह भी रहे हैं, तो हैदराबाद, बेंगलोर, ऐसी शहरों में लोग इसको बनाने के लिए ज़रूर आगे आएंगे और अपना घर भी बनाएंगे। और ये बेंगलुरु में था तो मुझे लगा ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। देखो अभी एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये हमारे लिए प्राउड वाली बात तो है ही, कहीं ना कहीं अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे लेबर इतने हैं, हो सकता है थोड़ा जॉब भी इसमें चला जाए, लेकिन लेबर लगेगा, लेकिन कम लेबर में। अब इसको 43 डेज में बना दिया गया, लेकिन अगर इसको मैनुअली तरीके से, नॉर्मल लेबर के तरीके बनाते तो मुझे लगता है 3 महीने से भी ज़्यादा का वक्त लगता और पैसे भी ज़्यादा लगते। तो वो सारी चीज़ों को अभी टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है। देखिए दोस्तों, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इसी को देखने के लिए आए थे, उनसे पूछते हैं ये कैसा लगा आपको, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत अमेजिंग है और काफ़ी नया है, बिल्कुल बहुत लग ही नहीं रहा है कि ये मतलब गवर्नमेंट ऑफिस है ये, तो बहुत अच्छा है। और इसमें बोला जा रहा है जो ये कंप्यूटर से बनाया गया है, 3D प्रिंटेड से बनाया गया है, हाँ। इसमें लोग डाउट करेंगे कितना दिन चलेगा, आपको क्या लगा, आप देखिए विजिट नहीं, बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इसकी 45 ईयर लाइफ है, तो मतलब लग रहा है कि नहीं। और ये सस्ता भी है और कम समय में बन के तैयार हो गया, 45 डेज बोल रहे हैं, और 23 लाख का ही बोल रहे हैं, कितने जल्दी बन गया है सारा चीज़ें। तो आपको अगर मौका मिलेगा, जो बोला जाए आपके पास कुछ घर है, आप बनाना चाहेंगी एक 1 BHK या 2 BHK? बिल्कुल ट्राई करेंगे, बिल्कुल ट्राई करेंगे। लेबर, इसमें तो मतलब लेबर कॉस्ट भी बचेगा, हर चीज़ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रिंटर के द्वारा, मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है 3D प्रिंटर के द्वारा। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, ये कितना सस्टेन कर पाएगा और इंडिया में ये कितने सालों में सब जगह आने को तैयार हो जाएगा। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, पसंद भी आया, और इसके सब कुछ अच्छे लगे मुझे, टाइम, पैसे और जो क्वालिटी है वो भी अच्छे लगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।